नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कायाकल्प योजना के तहत शिक्षा को सुधारने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं आजमगढ़ के अधिकारी डाका डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लूट खसोट जारी है। कुछ ऐसे भी स्कूल शिक्षक हैं जो सरकार व जनता की आंख में धूल झोंक कर बिना कुछ किए ही लाखों रुपये सैलरी हर महीने उठा ले रहे हैं। यह स्कूल कहीं और नहीं बल्कि आपके आजमगढ़ शहर में ही अनंतपुरा कटरा हनुमानगढ़ी में सांगवेद महाविद्यालय के नाम से स्थित है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सांगवेद महाविद्यालय की स्थापना 1954 में की गई थी। सांगवेद एक संस्कृत महाविद्यालय है जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज यह महाविद्यालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्कूल के नाम पर खंडहर ही देखने को मिलेगा। स्कूल में न तो बच्चों के बैठने के लिए कोई ब्रेंच है, न ब्लैक बोर्ड है और न ही पानी अथवा शौचालय की व्यवस्था है। अध्यापक के तौर पर यहाँ कार्यवाहक प्रचार के रूप में अनुपम पांडेय, शिक्षक के रूप में आनंदमणि चतुर्वेदी, प्रियंका तथा क्लर्क के रूप में दीपक पांडेय हैं। कागजों में 100 बच्चों के पढ़ने की बात बताई जाती है। स्कूल के हालात देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है स्कूल में, कितना पढ़ाई होती है, फिर भी डिवाइस मेहरबान है। प्रत्येक टीचर को हर महीने लाखों रुपए सैलरी इन अध्यापकों के खाते में बिना जांच पड़ताल के आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई है। 6 अगस्त 2022 को इस पूरे मामले की शिकायत महंत शंकर सुवन उपाध्याय एडवोकेट के द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को की गई है। वह भी काली कोठरी में फेंक दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया के बाद भी निचले स्तर के अधिकारियों की कोई डर नजर नहीं आ रहा है और धड़ल्ले से यह सब चल रहा है। यह पूरा मामला शहर के बीच का है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि या तो इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है या तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब देखना यह है कि इस मामले में कोई जाँच होती है या इसी भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस पूरे मामले में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। जी, यह विद्यालय अनंतपुरा कटरा आजमगढ़ में ही स्थित है। जी 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 श्रीमान। सर, कितने टीचर हैं यहाँ पे? दो टीचर हैं जी, और एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं जी, एक लिपिक हैं जी, और बगल से नहीं है। और कितने बच्चों होते हैं यहाँ पर पेपर में? पेपर में तो बताते हैं कभी 100 कभी 70 बताते हैं, और कल को आता तो है नहीं यहाँ पर पढ़ने के लिए, सब खाली पड़ा हुआ है। और पेपर में 100 बताते हैं जी। तो क्या सर यहाँ पर किसी भी दिन किसी महीने में टीचर या बच्चे कोई आते हैं? नहीं, कभी नहीं। टीचर का बार कभी आ जाते हैं साइन करने के लिए, क्लर्क कभी कभी आ जाता है, बच्चे तो कभी आता है। बिल्डिंग के बारे में और जिसके बारे में क्या उच्च अधिकारियों तक आपके द्वारा किसी के द्वारा कंप्लेन शिकायत की गई थी? जी श्रीमान, बहुत शिकायत की। कमिश्नर के यहाँ, DM के यहाँ, DIS के यहाँ, मेरा 5 ऑपरेशन पड़ा हुआ है, अभी शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब आपके कहने के अनुसार कि आपने शिकायत करके थक चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे ऊपर से नीचे तक सारे कर्मचारी और अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, सब इसमें लिपापोती कर रहे हैं। पूरा ऊपर से नीचे श्रीमान थक गए, तब हम लोग के अंदर एकदम यहाँ का हालत भाई खराब है। बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। ये मंदिर के प्रांगण में है, इनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। अगर 1 इंच जमीन भी इनके पास विद्यालय पास नहीं है, सब मंदिर का फर्जी जमीन दिखा करके ये विद्यालय चला रहे हैं। 1 इंच जमीन इनके पास नहीं है, अब PG का चला रहे हैं ये मंदिर का भर। ये सर PG कॉलेज यहाँ चल रहे हैं आजमगढ़ में। आइए, मैं एक महाशय जी से मैं बात कराना चाहूँगा और उनसे भी मैं प्रयास करूँगा कि क्या सच्चाई है जो बाबा जी ने कहा है, क्या वो सच्चाई है? सर अपना नाम बताएं। सर आप PC से वकील? हाँ जी। तो यह विद्यालय कब से चल रहा है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? ये जानकारी 40 साल लगभग पुराना। 40 साल से? हाँ, एक कागज में इसे जी। केवल पेपर में चलता है? हाँ, पेपर में चलता है, यहाँ पे कभी कोई बच्चे नहीं आते जी। हाँ, तो बाबा जी ने बताया है कि 100 जो है कि बच्चे हैं और 3-4 टीचर हैं, जो कि 2-3 लोगों की नियुक्ति में जल्दी ही हुई है, DYS के माध्यम से हुई है। हाँ, क्या सच्चाई है? हाँ, यही सच्चाई है। कभी कभी कोई आते ना नियुक्ति, ऐसे पेमेंट लेते हैं, जांच जाती है तो DISO में वहाँ भी सब लोग अध्यापक लोग दबा देते हैं पेमेंट करके ऐसे जी। सर, विद्यालय में जो बाबा जी ने अभी विद्यालय के बारे में बताया है, तो इसमें क्या सच्चाई क्या है?
सच्चाई यही आपके सामने है, विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है जी, बिल्डिंग सारी ध्वस्त हो चुकी है जी, मानक के अनुरूप यहाँ 24 कमरे होने चाहिए जी, आज की डेट में यहाँ कुछ नहीं है जी, बस सब कुछ पेपर पे चलता है, सारे अधिकारी मिले हुए हैं जी, और कोई भी कंप्लेन सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी कंप्लेन हम लोग करते हैं उसको लोग अपने तनख्वाह से बांट के सारे अधिकारियों को दे के संतुष्ट कर लेते हैं। DIS से लेकर DMSP तक क्या अपने कमिश्नर को भी उसकी शिकायत बताई? साहब को कंप्लेन दिया गया जी, उन्होंने भेज दिया SDM साहब को जी, SDM ने भेज दिया। SDM कौन थे उस समय? SDM उस समय शायद वो थे, क्या नाम आपके हैं, सुधीर बिमल कुमार, बिमल कुमार दुबे जी थे जी जी। उसके बाद उन्होंने भेज दिया तहसीलदार को। कब की बात है ये भी? लेटेस्ट है, एक महीने की घटना है ये जी। आए उन्होंने भेज दिया तहसीलदार को, तहसीलदार ने भेज दिया लेखपाल को, इसी तरह रिपोर्ट यहाँ लगती जाती है। रिपोर्ट लग के चली गई, ठंडे बस्ते में सब चला गया, बस कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, न कोई सूचना, न कोई शिकायतकर्ता कोई मिलने आया आज तक कि आपने क्या शिकायत किया है, क्यों किया है, क्या आपके पास प्रूफ है, कोई कुछ नहीं। सारा कुछ जो है वहाँ पे सब लेन देन करके अपना काम कर लेते हैं। चलिए ठीक।